आप सब लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपसे अपना एक ऐसा ट्रैकर शेयर करने वाला हूं जो मैं यूटिलाइज करता हूं रोज अपने डे को प्लान करने के लिए। और जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं उन लोगों को भी ये वाला हम ट्रैकर देते हैं ताकि वो अपने डे को सही से प्लान कर सके। क्योंकि एक बिजनेस ओनर के लिए जो सबसे बड़े दो एसेट्स होते हैं वो होता है फोकस और दूसरा होता है टाइम। अगर आपने इन दोनों जागीर को, दोनों एसेट्स को सही से नहीं लगाया तो समय निकल जाएगा और कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो हम ये तो देखेंगे, हम बिजी तो चल रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। सो इस वाले गोले से निकलने के लिए मैंने एक ट्रैकर बना रखा है जिसे मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे हम बिजनेस ओनर्स हैं जो भी जो इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि इस वाले ट्रैकर के बारे में मुझे पता कैसे चला और कब हमने ये वाली चीज़ पर काम करना शुरू करा। तो हमारी जो पुरानी कंपनी थी उसमें जो मेरे मेंटोर थे आशुतोष जी, एक बार वो आए कंपनी में बैठे हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई सुमित तुम्हारा समय कैसे जाता है। तो मैंने उन्हें बताया, यार मेरा समय मैं ये करता हूँ ऐसे करके मैंने उन्हें पूरी लिस्ट दी। उसके बाद उन्होंने मुझे ये वाला ट्रैकर समझाया और उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग होते हैं जो ग्रोथ पे फोकस रखते हैं और मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस की चीज़ों पे फोकस रखते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से ये जो ट्रैकर है। सो उस ट्रैकर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। उसमें सेक्शंस होते हैं कि भाई कौन ये जो मैं काम कर रहा हूँ कौन से एरिया का काम है, इसका बिजनेस में इम्पैक्ट क्या है। तो ये वाली चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रैकर पर चलते हैं और इस ट्रैकर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी हो। मैंने आपको अपना पूरा डे प्लान करके इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो ट्रैकर पे चलते हैं। सो आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा ट्रैकर है, आज का प्लान है। मान लीजिए आज 17 सितंबर 2021 है तो मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, सबसे पहले प्लान करता हूँ कि आज चीज़ों को करना कैसे। सो आप इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। इसमें चार सेक्शन है। सबसे पहले ये डेट का सेक्शन, डेट का मतलब किस तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बना हुआ ये टास्क, मतलब आज मेरे पास क्या क्या काम है जो मुझे करने हैं जो मैंने लिख ली एक एक करके। और उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फंक्शंस और वर्क टाइप, जिसके बारे में आप लोगों को बात करूंगा। और हम लोग यहीं पे बैठे बैठे ये वाली चीज़ फिल करेंगे और देखेंगे कि इस डे को जब हम प्लान करते हैं तो किस तरीके से हमारी मदद करता है, राइट। तो सबसे पहले मेरे डे में मैंने क्या करा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई कि सेल्स मीटिंग में क्या क्या होता है, सेल्स मीटिंग मुझे करनी है। सेकंड लिस्ट, भाई हमारी टीम में राधिका है उसके साथ रिटेल सेल्स सेक्शन का जो डॉक्यूमेंट है उस वाले डॉक्यूमेंट पर मुझे काम करना है। हमारी वेबिनार की फनल है, जो सेल्स में जो फनल है उस वाली चीज़ पे काम करना, थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। मेरे पास एक यूट्यूब का वीडियो पड़ा हुआ है रिव्यू करने के लिए, वो वाली चीज़ पे काम करना है। उसके बाद सेल्स फ्लो ऑटोमेशन डिज़ाइन, तो जो पूरा का पूरा हमारा जो सेल्स का फ्लो है उस वाली चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो उस वाली चीज़ पे पूरे डिज़ाइन वाली चीज़ बात करनी है। यूट्यूब शूट करना जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट मीटिंग होती है मेरी, जो डेली अपनी टीम के साथ जो हम हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं एज अ जिन्हें हम लोग कोच करते हैं उनके उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए, ये वो टीम है बिजनेस कोचेस की जो इन्हें सपोर्ट करती है। उसके बाद हम लोग सेल्स में थोड़ा सा रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सेल्स के रिक्रूटमेंट का फॉलोअप है कि भाई कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद एक हमारा प्लान है कि भाई फेसबुक पे लीड्स कैसे बढ़ाई जाए, उसका पूरा जो पोस्टिंग का प्लान है वो कैसे होगा, तो इसमें मुझे मार्केटिंग टीम के साथ बैठना ये वाला काम करना है। और ये मेरा थोड़ा पर्सनल काम है, स्पीक टू सीए फॉर 15 CA CB। इसका मतलब ये है कि भाई मैं लंदन में रहता हूँ तो इंडिया से जो मेरे पैसे आते हैं उसके लिए वाली जो चीज़ है ये ज़रूरी होती है, तो मुझे इस वाली चीज़ पर थोड़ी सी बात करनी है, क्लैरिफिकेशन करना। तो ये मेरा दिन है। अब जब मैं इस वाले दिन के बारे में डिसाइड करता हूँ कि यार इस वाली चीज़ पर मुझे काम कैसे करना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क करना शुरू करता हूँ लिखने के बाद, ये सेल्स मीटिंग किस चीज़ का काम है, सेल्स का काम है। और ये वर्क टाइप क्या है, वर्क टाइप ग्रोथ, सॉरी ये ऑपरेशंस का काम, ऑपरेशंस का मतलब भाई ये मेरे यहाँ डेली के काम होते जिसमें मैं एक 15 मिनट की क्विक मीटिंग करता हूँ सेल्स वालों के साथ कि उन्हें कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई चीज़ तो नहीं आ रही। ऑपरेशंस काम है, टिपिकल कंपनी चलाने वाला काम है जिसमें मैं बहुत मिनिमम समय स्पेंड करना पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सेट हैं, राइट। मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए होता है नंबर्स को देख के कि यार क्या चल रहा है। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा काम है इसमें हम रिटेल जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए एक बढ़िया सा सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसमें जो हमारी टीममेट है उसे मेरी मदद चाहिए क्योंकि ये क्रिएटिव काम है। सो इस वाले काम को मैं जिस चीज़ में डालता हूँ वो हमारे ये वाला काम है मार्केटिंग का, क्योंकि इसके लिए हमारे मार्केटिंग की लीड बनेगी। इसे मैं ग्रोथ का काम कहता हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में लीड्स इंक्रीज होंगी।
इसीलिए क्या है, ये ग्रोथ का काम है। उसके बाद वेबिनार बीएम फनल, यानी कि हम लोग जो वेबिनार करते हैं उससे जो कन्वर्जन होते हैं, उस वाली चीज पे जो काम करना होता है, वो वाली चीज हमारी सेल्स का पार्ट है, राइट। सो इस वाली चीज में मुझे सेल्स के जो हेड है उनके साथ बैठना, इस वाली चीज पे काम करना, लेकिन ये टिपिकल ऑपरेशंस का काम है। यूट्यूब रिव्यू, ये टिपिकल आप देखेंगे ये मार्केटिंग का काम है जिसमें लोग हमसे जुड़ते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ऑपरेशंस का काम है, इसमें डेली मर्रा का काम है, रोजमर्रा का काम है। सेल्स फ्लो ऑटोमेशन डिजाइन, ये आप देखेंगे ये स्ट्रैटेजिक काम है। इससे स्ट्रैटेजी का काम ये इसलिए है क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी, हमारे सेल्स कन्वर्जन बेटर हो जाएंगे। वेल, ये हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी का काम है। और इस वाले को काम को अगर आप देखेंगे तो इस वाले काम को मैं क्या करता हूँ, ग्रोथ में डालता हूँ। उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट शूट मुझे करना है, ये बड़ा ऑपरेशनल काम है, मार्केटिंग का काम है, लेकिन क्या है, ऑपरेशंस का काम है, डेली ऑपरेशंस वाली जो चीज़ है उस चीज़ का है। कस्टमर सपोर्ट मीटिंग क्या है, ये मैं क्विक बिजनेस कोचेस के साथ मीटिंग करता हूँ, तो ये भी ऑपरेशंस का काम है। और डेली मर्रा का काम है, रोजमर्रा के घुमाने का काम है। सेल्स रिक्रूटमेंट फॉलोअप, ये क्या है, हम लोग रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, तो ये सेल्स का है, ऑपरेशंस का काम है, राइट। और उसके बाद फेसबुक पोस्टिंग प्लान विद मार्केटिंग टीम, ये वाली जो चीज़ है ये स्ट्रैटेजी की चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी लीच बढ़ेंगी, फेसबुक से हमारी तरफ काफ़ी सारा क्राउड आएगा, तो इस वाली चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, ग्रोथ का काम कहता हूँ। और उसके बाद हमारा जो ये वाला काम है स्पीक टू सीए, ये बड़ा अदर तरीके का काम है, इसका कोई नहीं है, इसे मैं बिजनेस सपोर्ट में डालूँ। तो अगर आप देखेंगे आज का, अगर मैं अपने दिन को एनालाइज करूँ तो आप देखेंगे मेरा बहुत सारा समय आज जो है वो ऑपरेशन की चीज़ों में, मतलब डेली रोजमर्रा की चीज़ों में जाने वाला है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है कि यार मेरा जो समय है वो ग्रोथ पे बीतना चाहिए, मेरे जो टाइम की इंपॉर्टेंस है वो इस चीज पे बीतनी चाहिए कि यार ग्रोथ का काम हो, हमारी कंपनी आगे बढ़े। सो मैं अपने डे को कैसे प्लान करूं, तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के काम मैं पहले करूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना शुरू करता हूँ, मैं जब भी अपने डे को प्लान करता हूँ सबसे पहले मैं ग्रोथ वाली एक्टिविटी देखता हूँ या जो करनी है। सो मैं यहाँ पे ये वाली चीज डालता हूँ। सो ये सबसे पहली जो चीज़ है मैंने यहाँ से रो उठा के अपने यहाँ पे डाल दी, ये मेरा ग्रोथ का काम है। और उसके बाद जो मेरा दूसरा ग्रोथ का काम है, मैं वो वाला काम उठाऊंगा और इसे मैं यहाँ पे डालूंगा, सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करूंगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रायोरिटाइजेशन है ये मेरे ग्रोथ के काम है, इन कामों को मुझे सबसे जल्दी करना है और इस वाली चीज में मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, बाकी की चीजें रुक जाएं क्योंकि डेली की चीजें चलती रहेंगी। तो आप देखेंगे जो मेरा तीसरा ग्रोथ का काम है वो ये रिटेल वाला जो डॉक्यूमेंट बनाना, ये वाली चीज करनी। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं ये वाली चीज प्लान कर रहा हूं क्योंकि ये वो आइटम्स हैं जिन आइटम्स से मेरी कंपनी में ग्रोथ आएगी, हो सकता है आज ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फंडामेंटल पीसेस डाल रहा हूँ ताकि एक महीने बाद, 15 दिन बाद इन चीजों में काम करना शुरू होता है, किक ऑन हो जाए और ये वाली चीजें होना शुरू हो जाए। तो ये वाली जो चीज है ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है और सबसे टॉप प्रायोरिटी। इसीलिए आप देखें ये वाले जो तीन काम है, ये वाले तीन काम मैं सबसे पहले प्लान करता हूँ, यार सबसे पहले ये वाली चीज करता हूँ और ये पहली चीज है जिसे मैं टैकल करना चाहता हूँ, अपने दिन की शुरुआत इन वाले कामों से करना चाहता हूँ क्योंकि इस टाइम मैं सबसे ज्यादा क्रिएटिव हूँ, थकता नहीं। बाकी के जो काम है, सेल्स मीटिंग है, ये सब चीजों को मैं कर सकता हूँ, डेली करता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, मेरी ताकत नहीं लगती। सो मेरी जो ताकत लगेगी वो इन चीज में लगेगी और मैं चाहता हूँ मैं अपना क्रिएटिव बेस्ट, सबसे क्रिएशन वाला काम कर रहा हूँ और अकल से करूँ, थका हुआ ना हूँ। तो मैं दिन में जब सुबह उठता हूँ सबसे ज्यादा चार्ज अप होता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये वाले जो काम है ये मैं सबसे पहले करूँ और सबसे पहले निपटाऊँ। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से करें। ये वाली वर्कबुक जो है ये मैंने आपको डाउनलोड के लिए दे रखी है, इसमें मैं दिखाऊंगा और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग कायदे से बहुत बड़ा एनालिसिस करके दे सकती हैं कि आपका समय क्या बीतता है, कौन कौन सी चीजें, आप कितने काम हैं जो ग्रोथ के कर रहे हैं, कितने काम हैं जो आप ऑपरेशंस के कर रहे हैं, राइट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी क्योंकि आपका जो समय है वो निकल जाएगा। जब आप ग्रोथ के काम करेंगे तभी बिजनेस में ग्रोथ आएगी, जब आप ऑपरेशंस के काम करेंगे तो ऑपरेशंस के काम करने से रिपीट और रेफरल का बिजनेस बढ़ता है। फिर से सुन लीजिए, ग्रोथ के काम वो काम होते हैं, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग ये वो काम होते हैं जो काम आपको क्या करते हैं, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। इसके लिए आपको इसके रिजल्ट तुरंत नहीं आते, इसके रिजल्ट धीरे 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 करके आप एक
पौधा लगाएंगे, फिर उस पर पानी देंगे, पानी देंगे, एक टाइम के बाद इस वाली चीज के क्या होते हैं रिजल्ट आते हैं। एज अ बिजनेस ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस काम को करें, क्योंकि ये बुद्धि के काम है। आपके पूरी कंपनी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये बुद्धि वाले काम करता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये वाले जो काम है ये आप करें। उसके बाद जो अपना सेकेंड पार्ट ऑफ द डे है उसे ऑपरेशन में बिताइए, फिर जाइए इन वाली चीज पर जब तक ये वाले काम ना हो जाए। अक्सर जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने देखो ऐसे रन करते हैं, आते हैं कुछ सोचते नहीं, ऑर्डर आया, कस्टमर ने बात की, कस्टमर ने फोन किया, ये क्या, उसी में दिन खत्म है। अरे भाई, अगर आगे बढ़ाना है धंधा तो आपकी ताकत और समय सही जगह पे बिताना होगा और वो ग्रोथ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इस वाली चीज के साथ, इस वाली शीट में थोड़ा सा एनालिसिस भी करता हूँ। अगर आप देखेंगे ये वाली शीट में, यहाँ पे ये अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो मुझे आज के दिन 17 तारीख को अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता चलता है यार मैंने आज जो अपना समय बिताया है, लगभग 6 आइटम मैंने ऑपरेशंस के करे, 3 आइटम ग्रोथ के करे और 1 आइटम बिजनेस सपोर्ट का। अच्छा दिन नहीं है मेरा, कोई खास बढ़िया दिन नहीं है, क्योंकि मैं आइडियली देखना चाहता हूँ कि ग्रोथ के काम ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन भाई बिजनेस है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनपे काम करना होता है, जरूरी होती है तो करा जाता है। सो आइडियली मैं देखना चाहता हूँ मेरे ग्रोथ के काम ज्यादा है और ऑपरेशन के काम कम हो रहे हैं और बिजनेस सपोर्ट कम हो रहा है। और ये वाली चीज मैं डेट के लेवल पे एनालाइज करना चाहता हूँ कि डेली हम क्या करें। उसके बाद मैं हफ्ते में ये वाली चीज देखता हूँ भाई किस जगह समय बिताया, क्या क्या गलतियां करी, उन गलतियों को कैसे बेटर किया जा सकता और कैसे मैं अपना जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर सकता। आपके लिए ग्रोथ सपोर्ट और इस वाली चीज को समझने के लिए मैंने ये वाला एक वीडियो बनाया हुआ, काफी पुराना वीडियो है मेरा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बात करी है कि ग्रोथ के कौन से टास्क होते हैं और आपके सपोर्ट के कौन से टास्क होते हैं और ऑपरेशन के कौन से टास्क होते हैं। इस पर काफी लंबा सा मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप ये वाली चीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोग चाहें तो ये वाली वर्कबुक है इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्कबुक में मैंने पूरे एनालिसिस की शीट और ये सारी चीजें यहाँ पे आपके बना रखी हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इस वाली चीज को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह आप देखेंगे सारे के सारे पहले से बने हुए हैं। सो आपको वो वाली चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने ऐड किया स्पीक टू दी वेंडर, ये वाला टास्क ऐड किया, यहाँ पे आप देखेंगे पहले से बना हुआ होगा आपके ये वाली चीज, ये इस चीज की चीज है, हो सकता है ऑपरेशंस की चीज, और ये फंक्शन क्या है ऑपरेशंस। तो आपको ये वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे इस वाली वर्कबुक पर डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपने डे को प्लान कर सकते हैं। देखिए, इधर यू कैन रन द डे और द डे कैन रन यू, इस वाली बात को समझ लीजिए। या तो दिन आपको चलाएगा या आप दिन को चलाएंगे, आपकी चॉइस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस तरीके से अपने डे को प्लान करिए और इस वाली चीज पे काम करिए। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूं और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने, और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिजाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी, अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो। थैंक यू वेरी मच।